सोलन के सुल्तानपुर पंचायत में पहली ग्राम सभा का आयोजन हुआ। इस ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य पंचायत की विकास के लिए चर्चा करना था, लेकिन यहां मुद्दा विकास का नहीं बल्कि पंचायत घर कहां होना चाहिए इसको लेकर गरमाया रहा। इसको लेकर बकायदा महापंचायत हुई। इसमें एक पक्ष ये चाहता था कि पंचायत कार्यालय यहाँ नहीं रहना चाहिए, वहीं दूसरे पक्ष की दलील थी कि इससे उपयुक्त पंचायत कार्यालय नहीं हो सकता है। बस इसी को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों में तीखी नोकझोंक चलती रही। पहली बैठक इसी हंगामे की भेंट चढ़ गई। प्रतिनिधि कानून और नियमों की दलीलें देते नजर आए, लेकिन इस बैठक का उद्देश्य विकास की नींव रखना था। ये असली मुद्दा बैठक में नजर नहीं आया। इस मौके पर ग्राम पंचायत सुल्तानपुर के निवासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि पहली बार नवगठित ग्राम पंचायत की ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन इसमें विकास के मुद्दों पर नहीं बल्कि पंचायत घर के मुद्दे को लेकर चर्चाएं की गई, जिसमें कांग्रेस और भाजपा आमने सामने खड़े नजर आए। कांग्रेस के लोग चाहते थे कि पंचायत घर यहां से सुल्तानपुर महिला मंडल भवन में स्थापित करना चाहिए, वहीं भाजपा के लोग तर्क दे रहे थे कि अभी ये अस्थायी तौर पर खलोकड़ा में पंचायत घर चलाया जा रहा है, जो निजी व्यक्ति द्वारा बिना किसी किराए के कुछ समय के लिए पंचायत को दिया गया है। जब इससे बेहतर भवन मिल जाएगा, इसे यहाँ से स्थानांतरित कर दिया जाएगा, लेकिन ये बात कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आई, जिसके चलते ग्राम सभा बाकयुद्ध बनती नजर आई और विकास के मुद्दे गौण नजर आए। जो हमारी ग्राम सभा थी उसमें बहुत अधिक मात्रा में सभी जनता आई थी, तो हमें ऐसा मतलब कि विशेष पता नहीं था कि किस मुद्दे के लेकर ये इधर इकट्ठे हुए हैं लोग। तो उसमें जैसे कि आपका पंचायत घर के बारे में था कि जो अभी जहाँ तक अस्थायी रूप से पंचायत हमारी है, जो अभी हमारी पंचायत बने हुए 1 महीना 10 दिन हुए हैं शायद ना जी, तो अभी जो पंचायत घर है वो हमारे पास नहीं है अवेलेबल। तो ये सभी मतलब गांव के लोगों को मद्देनज़र रखते हुए और अपने जो जितने भी वार्ड है उनको देख कर ये पॉइंट हमारे को सेंटर पॉइंट पड़ता है, जहाँ पे कि हर एक प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मतलब अपने ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये हमारे को एक सेंटर पॉइंट पड़ता है, जैसे काफ़ी है ना इसके वार्ड दूर दूर, तो उसके मद्देनज़र यहाँ मीटिंग थी। फिर इसका पतन था, काफ़ी वार्ड के लोग आए भी नहीं थे इधर, मतलब एक वार्ड के लोग आए थे ना जी वो स्पेशली। फिर उसमें यहाँ पे पार्टीबाजी का उस पर चल पड़ा, कोई कांग्रेस बीजेपी का, उसके चक्कर में सारा सिस्टम मतलब ख़राब हो गया जी। तो जो मतलब कि मेन मुद्दे थे उस पर बात ही नहीं करने दी उन्होंने, उन्होंने यही मुद्दा मेन पहले बना रखा कि जी इसको पंचायत घर को यहाँ से चक्के सुल्तानपुर करो, सुल्तानपुर वाले यहाँ तो जितनी भी जनता थी वो परेशान होगी। हमारा आपके माध्यम से ये कहना है कि ऐसा सुल्तानपुर में क्या है जो आप हर एक चीज़ सुल्तानपुर ही देना चाहते हो, जैसे बैंक सुल्तानपुर में है, सब कुछ वहाँ है, तो एक सुल्तानपुर डेवलप एरिया है, तो हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट और इलाके में भी होनी चाहिए, सुल्तानपुर में थोड़ा होनी चाहिए। अब आपके यहाँ खलोगड़ा में ऐसा भी हॉस्पिटल भी है, कल को बैंक भी आ जाएगा, तो उसके मद्देनजर रखते हुए सुल्तानपुर में इसको इशू ना बनाया जाए। उस सरकार द्वारा जो कार्यसूची में जो कार्य थे, जैसे कि वित्त वर्ष 2021-22 का जो बजट अनुमोदन है, ठीक है जी, उसके बारे में चर्चा होनी थी, और दूसरा था जी मनरेगा बजट का अनुमोदन, उसके बारे में उसमें चर्चा होनी थी, एक विभिन्न योजनाओं के तहत जो है लाभार्थियों का चयन जो है उसमें होना था जी, और ग्राम पंचायत विकास योजना का जो है अनुमोदन, ये 3-4 जो उसमें मुद्दे थे जो प्रदेश सरकार की कार्यसूची में थे उस पर चर्चा होनी थी जी। लेकिन इन मुद्दों से हटकर जो है उसमें जो है कि पंचायत के कार्यालय को, कार्यालय की जो वैकल्पिक व्यवस्था वो कहाँ की जाए, मैं आपके ध्यान में बात लाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से जो है सबको बताना चाहता हूँ कि 1 फरवरी 2021 को जो है पंचायत संजय कुमार जी की अध्यक्षता में जो है एक बैठक हुई थी ग्राम पंचायत बड़ोग में उस समय, तो वहाँ से एक जो है एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था बहुमत से कि जो ग्राम पंचायत, जब तक ग्राम पंचायत का जो भवन का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक जो है ग्राम पंचायत जो है वो वैकल्पिक रूप से जो है खलोगड़ा के क्या नाम दयाराम बिल्डिंग में जो है वो चलाई जाएगी, जो है कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है, जबकि वो खुद ही राजनीति कर रहे थे, वो खुद ही उसी मुद्दे पे चले गए एकदम से कि वैकल्पिक व्यवस्था कहाँ की जाए।
बाकी जो मेन जो एजेंडे थे उन पर कोई चर्चा नहीं हुई। और साथ ही वो दोष दे रहे थे हमारे जो लोकप्रिय विधायक है डॉक्टर राजीव सहजल जी कि उनको जो इस तरह की छोटी राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए, और जो है भी लोग पहले भी ये कह रहे थे कि इस पंचायत का जो है गठन नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह के उन्होंने बयान दिए। जिस तरह यहाँ ग्राम सभा का आयोजन किया गया वो बिल्कुल ही बहुत ही शर्मसार करने वाला था। उन्होंने कल ये बात की गई कि यहाँ जो बीजेपी के जो यहाँ के कार्यकर्ता है उनका डायरेक्ट हस्तक्षेप है, पर यहाँ कोई एक भी जो बीजेपी का कोई भी जो किसी पद पे विराजमान है कोई भी यहाँ एक भी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित नहीं था। और जबकि वो खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस एज ए कांग्रेस जिला जनरल सेक्रेटरी कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने विकास के मुद्दों को दरकिनार करते हुए लोगों को भड़काया गया। और एक ही विशेष गांव के जो सुल्तानपुर के वासी है उन्हीं की ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जनसंख्या लाई गई। और प्रधान जी को बिल्कुल भी, जब जो कि हमारे नवनियुक्त प्रधान जी, उनको बिल्कुल भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। जितने भी यहाँ ग्रामवासी है सुल्तानपुर के अंदर आते हैं, मैं सभी से यही अपील करना चाहता हूँ कि आपको भड़काने का काम किया जा रहा है। यहाँ विकास के मुद्दों की बात होनी चाहिए, पर विकास के मुद्दों की जो बात नहीं हो रही है।